गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स और सभी मेरे इस चैनल के व्यूअर्स, सभी को आज का बहुत बहुत शुभ दिन। मैं चंद्र प्रकाश आपके साथ वीडियोस केमिस्ट्री के लेक्चर शेयर कर रहा हूँ और आप देख रहे हैं माइंड योर साइंस चैनल। माइंड योर साइंस चैनल का बेसिक मकसद आप समझ चुके हैं कि आप लोगों तक अच्छी शिक्षा पहुँचाने का, उसी को दिमाग में रखते हुए ये चैनल मैंने बनाया है। और इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ। कल मैंने आपको एक लेक्चर डाला था, जिन बच्चों ने, थोड़े बहुत बच्चों ने देखा होगा अभी, क्योंकि इतने जो सब्सक्राइबर्स हैं अभी इतने नहीं हैं, लेकिन आगे आगे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे और व्यूज़ में आएगा जो चैनल जब मेरे देखेंगे, तो नेचुरल सी बात है काफ़ी बच्चों को ये बढ़िया लगेगा। तो नीट और जेई मेन की क्लासेस स्टार्ट की है मैंने और हम केमिस्ट्री विषय पढ़ रहे हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का जो पहला यूनिट है हमारी प्लस वन का, उसका टॉपिक चल रहा था हमारा और लिमिटिंग रिएजेंट का एक न्यूमेरिकल मैंने आपके साथ सॉल्व किया था। और कल मैंने बताया था कि इस तरीके से वीडियो बनाने में ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो मैंने आपसे सजेशंस पूछे थे। कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करना है कि कॉपी पे बनाकर कैमरे को रखकर फोकस करके पढ़ाने में, सिर्फ समझाने में बढ़िया लगेगा, या फिर इस तरीके से ही कंटिन्यू करना है। तो ये सेशन में आप सीधा टॉपिक पे चलता हूँ क्योंकि लेक्चर बड़ा हो जाता है, क्योंकि टॉपिक्स ही काफ़ी डिटेल है और न्यूमेरिकल्स की जब तक आप एक बार प्रैक्टिस नहीं कर लेते हो तब तक आपके ग्रिप में नहीं आएंगी। प्रैक्टिस का मतलब क्या है कि आप एक बार न्यूमेरिकल को पूरी तरीके से सॉल्व कर लो, और एक बार जब सॉल्व करने की आदत पड़ जाएगी फिर आपके न्यूमेरिकल स्पीडली निकलते चले जाएंगे, देखते ही आंसर्स समझ आने लग जाएंगे कि इसका आंसर ये होगा। तो वो तब होगा जब आपका एक बार पकड़ जो है न्यूमेरिकल्स की अच्छी हो जाएगी। तो मैं सीधा टॉपिक पे लिए चलता हूँ, आपको टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ज़्यादा लेक्चर देते हुए, ठीक है। अब मैं सीधा स्टूडेंट्स चलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट का न्यूमेरिकल जो हमारे 2008 में आया था। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, कल हमने 7 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। और ये क्या दिया हुआ है, हाउ मेनी, नोट करेंगे आप, हाउ मेनी मोल्स ऑफ लेड क्लोराइड विल बी फॉर्म, बनते हैं फॉर्म फ्रॉम दिस रिएक्शन। क्या दिया हुआ है, 6.5 ग्राम ऑफ लिथार्ज लेड ऑक्साइड एंड 3.2 ग्राम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अब ये न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होगा मैं अब आपको इसका समझाऊंगा। लेड का एटॉमिक मास इस न्यूमेरिकल में गिवन नहीं है, आपने नोट कर लेना है, इसका है 207.19, तो 207 आपने यूज़ कर लेना है। तो ये आप नोट करके रखेंगे, इस न्यूमेरिकल में ये डाटा गिवन नहीं है। अब इसके ऑप्शंस मैं लिख देता हूँ, ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन ए है 0.011, ऑप्शन बी है 0.029, ऑप्शन सी है 0.044 और ऑप्शन डी है बेटा 0.034। ये ऑप्शंस गिवन दैट है। अब इसको कैसे आपने सॉल्व करना है ये देखो, इसमें बैलेंसिंग भी यूज़ होगी, तो आप लेड ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन करेंगे। तो सॉल्यूशन है बेटा, हाउ विल यू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल, लेड ऑक्साइड प्लस HCl क्या बनाएगा, PbCl2 प्लस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, पानी।
अब आप देख रहे हैं लेड बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस है, हाइड्रोजन और क्लोरीन दो दो हैं, तो सिर्फ क्या करना है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है जो कि आपके सामने। अब कुछ नहीं करना है, आपने मोल्स निकालने हैं बच्चों, ठीक है, मोल्स निकालना है। तो लेड कितना दिया हुआ है 6.5 इसके नीचे लिख दिया, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड कितना दिया हुआ है 3.2 दिया हुआ है, ठीक है, ग्राम्स। अब आपने मोल्स निकालो और मैं फिर आगे बताऊंगा कि कैसे करना है, और आंसर मैं इसीलिए रब नहीं कर रहा हूं, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट है वो आपके सामने आ जाएगा निकल कर। तो मोल्स निकालने के लिए क्या है बेटा, वेट 6.5 और लेड का भी बताया 207 प्लस कितना 16, कितना हो जाता है 223, और यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स इसकी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की 3.2 डिवाइड बाई 1 प्लस 35.5 क्लोरीन का, तो ये कितना आ गया आंसर 6.5 डिवाइडेड बाई, फटाफट करनी है कैलकुलेशन, 223, और यहाँ पर कितना आ गया 3.2 बटे 36.5। तो ये जब आप सॉल्व करोगे तो इट कम्स आउट टू इट 0.29, और ये कितना आएगा 0.0876। अब आपने इसको कैसे सॉल्व करना है यहाँ पर बता देता हूँ बेटा। ये इक्वेशन में देखो लेड से लेड क्लोराइड बन रहा है, ठीक है, इसका एक मोल है, इसका भी एक मोल है, बात समझ आ गई, और यहाँ से इसका कितना निकला है 0.29, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यही आ जाएगी। तुम कहोगे सर यहाँ पर क्यों आ गई, क्योंकि एक मोल से एक मोल बन रहा है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या है हमारा, ये सही है। तो कैसे किया समझ आ गया होगा, तो ये था हमारा आज का पहला न्यूमेरिकल, ठीक है। तो अब जब प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें अपने आप समझ आ जाएगा कि हमें ये सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इससे ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो जब बाद में ट्रिक्स करोगे, जब स्पीड क्वेश्चंस करोगे, यही बताया कि पहले तो समझना पड़ेगा, एक लेवल पे जब समझ आ जाएगा उसके बाद आपके जो क्वेश्चंस हैं वो फास्ट हो जाएंगे, ठीक है, वो आपकी कैलकुलेशन तभी फास्ट होगी जब आपको टॉपिक समझ आया होगा कि भाई हमें करना कैसे है, और उसी की बात आपको समझाई जा रही है। अब अगला प्रश्न आप नोट करेंगे मेरे साथ, थोड़ी सी इंटरेस्ट बनानी पड़ेगी, और जैसा कि पता ही है लॉकडाउन चल रहा है, और लॉकडाउन कंटिन्यूटी की कुछ अभी खबर नहीं है, तो अब आपके पास काफ़ी टाइम है, अगर आप उस टाइम को यूटिलाइज़ कर लेते हो, और मेरा भी यही मकसद है वीडियोस बनाने का कि बच्चे जो हैं इधर उधर ना भागें, इधर उधर की टाइम पास ना करें, मोबाइल के अंदर वैसी बेकार की ऐप्स यूज़ ना करें, और वो अगर अपनी पढ़ाई के ऊपर कंसंट्रेट कर लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ कि बहुत बढ़िया रिजल्ट आने वाला है। जो बच्चे मेरी बात को समझ लेंगे, अपनी लाइफ को कैरियर को बनाने की कोशिश करेंगे इन दिनों में, तो वो कहीं से कहीं पहुँच जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे बेटा, क्वेश्चन 9 है, और मैंने भी बहुत इसको बनाने में वीडियो बनाने में बहुत ऐसी नहीं वीडियो बन जाती, मेरे को भी काफ़ी पढ़ना पड़ता है फिर जाकर ये टॉपिक्स बने, क्योंकि मैं टीचिंग एक्सपीरियंस तो है मेरे को 25 साल का, लेकिन टीचिंग एक्सपीरियंस का मतलब ये नहीं कि हम सब्जेक्टिव पढ़ाते हैं, सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव में जाना बहुत मुश्किल होता है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सॉल्व करने उसमें टेक्स्ट चाहिए होते हैं और टिप्स चाहिए होते हैं, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस होएगी तो फिर मैं आपको भी बताता चला जाऊँगा, जैसे अभी मैंने ऊपर वाले में बताया। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन 10 ग्राम को मिलाया गया ऑक्सीजन के साथ 64 ग्राम के साथ, पूछता है भाई पानी कितना बना, और इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 3 मोल, कैसे बना भी बताऊंगा, बी 4 मोल, सी 1 मोल, मोल ही होता है पूरा, और डी इज 2 मोल। इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन है, ये अब आपको मैं दो बार बताया हुआ है, 2009 में भी आया है और ये 2015 में भी आया है, रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, तो आप समझ ही सकते हैं कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है। अभी कैसे सॉल्व होगा ये जरा मेरे साथ सॉल्यूशन को देखेंगे।
ठीक है, अभी आपको थोड़े से लेंथी लगेंगे मेरे सॉल्यूशंस। जो बच्चे कोचिंग्स कर चुके हैं उनको तो इजी लगेगा ये मेथड, वो तो फटाफट कर लेते हैं, लेकिन मैंने ये बताया ये बिगनर्स के लिए मैं लेक्चर बना रहा हूँ, जो बिल्कुल रॉ हैं, जो घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं, जिन्होंने कोचिंग ले ली है उनको तो ये क्वेश्चंस आते हैं, तो वो तो आंसर को देख कर ही निकाल देंगे, ठीक है। लेकिन हमें सॉल्व करना एक बार आना चाहिए, तो सॉल्व करना अगर हम सीख जाएंगे तो फिर किसी भी तरीके का न्यूमेरिकल आएगा तो हम कर पाएंगे, तो यही मेरा मकसद है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर बनाते हैं पानी, और फिर आप बच्चों क्या करोगे, बैलेंस करोगे, ऑक्सीजन कितनी है 2, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, हाइड्रोजन कितनी हो गई 4, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। तो ये पहले सबसे पहले बैलेंस द इक्वेशन। अब इसके कितने दिए हुए हैं 10, और इसका मास कितना होता है 2, कितना आ गया 5। ऑक्सीजन कितनी दे रखी है 64, 16 × 2 = 32, तो कितना आ गया, ये काटा था 2। यहाँ तक क्लियर हो गया। 5 मोल्स किसके, हाइड्रोजन के, रिएक्ट कर रहा है 2 मोल्स ऑक्सीजन, तब बनती है अपनी पानी। अब पानी की क्वांटिटी निकालनी है कि कितने मोल्स बनेगा, तो कैसे बनेगा ये जरा प्लीज़ ध्यान से देखेंगे आगे क्या सोल्यूशन, तो फिर आपको इसका आंसर लास्ट में बताऊंगा। तो आप लिखेंगे 2 मोल ऑफ, दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी, ऑफ हाइड्रोजन इक्वेशन के हिसाब से रिएक्ट्स विथ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। बात समझ आ रही है, 2 हाइड्रोजन के मोल, 1 मोल पानी के साथ रासायनिक क्रिया कर रहा है, और इसमें कितना दिया हुआ है, निकला कितना है 5 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ हाउ मच, 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ये क्लियर हो गया, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 × 5, तो ये कितना आ गया 2.5 मोल। ओके हो गया, समझ आ गया कि 5 मोल यहाँ पर 1 ही आएगा, सॉरी 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ करेगा तो कितना आ जाएगा 1/2 × 5, 2.5 मोल्स आ गया। अब आगे लिखोगे, इसका निकालोगे 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट्स विथ हाउ मेनी, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। और अब आपको पहले आपने क्या निकाल लिया था, हाइड्रोजन का निकाल लिया था, और अब यहाँ पर क्या निकालोगे, ऑक्सीजन। अब यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है, 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट्स विथ, सेम रहेगा, ऑफ हाइड्रोजन विल बी क्या जाएगा, 2 × 2 = 4 मोल। ठीक है, कैसे आप समझ लो, 1 मोल ऑक्सीजन का रिएक्ट करता है 2 मोल हाइड्रोजन के साथ, तो 2 मोल ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ कितने रिएक्ट करेगा, 4 मोल्स आ जाएंगे। तो हाइड्रोजन यहाँ पर कितनी बची, हाइड्रोजन के टोटल कुल कितने लिए थे आपने, हाइड्रोजन लेफ्ट 5 मोल्स टोटल थे, 4 मोल रिएक्ट कर गया, तो कितना बचा 1 मोल बचा। तो यहाँ पर सबसे पहले ऑक्सीजन क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट, इसमें ऑक्सीजन क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट, जो कि एंड ऑफ द रिएक्शन कंज्यूम हो गया, बचा क्या अपने पास, सिर्फ हाइड्रोजन। और अब आप इक्वेशन बनाएंगे, लास्ट स्टेप है बेटा, लास्ट स्टेप क्या है यहाँ पर, कि ऑक्सीजन रेशियो वाटर, लिमिटिंग रिएजेंट से बनाएंगे, और लिमिटिंग रिएजेंट इसका आपने 1 मोल लिया है, और ये ओरिजिनल इक्वेशन में कितने मोल बना रहा है, 2 मोल्स, और इस इक्वेशन में कितने मोल्स यूज हुए हैं, 2 मोल्स यूज हुए हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2 × 2 = 4 मोल्स।
तो अब आप समझ गए इसका उत्तर कितना आया, 4 moles. तो 4 moles इसका जो ऑप्शन था, बी ऑप्शन था, वो टिक करना है आपने. तो ये आपका ये इक्वेशन सॉल्व करने का मैंने तरीका बताया कि कैसे ये 6th न्यूमेरिकल होगा. बिल्कुल ऐसे ही है हमारा 10th न्यूमेरिकल, वो भी बिल्कुल ऐसे ही सही है. लेंथी न्यूमेरिकल्स हैं, इनको बड़े ध्यान से आपने करना है, इन स्टेप्स को ध्यान से नोट करना है. तो एक दो बार आप स्टेप्स को कर लेंगे, उसके बाद आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आप इसको स्पीडली कर पाएंगे. तो न्यूमेरिकल नंबर, अब हम 10th पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 10th आज सॉल्व करने जा रहे हैं. ये आया है पेपर 2014 के अंदर बेटा. 2014 का क्वेश्चन क्या दिया है, विच रिएक्टेंट, ये आप अपने उसमें से सैम्पल पेपर से वैसे भी देख सकते हैं, और उनके सॉल्यूशंस मैं आपको बताने लग रहा हूँ. कर लेंगे आप, इस लेफ्ट इन एक्सेस एंड हाउ मच, भाई कितना, हाउ मच कितना बचेगा. इसके लिए क्या दिया हुआ है, मैग्नीशियम दिया हुआ है 1 gram और ऑक्सीजन दिया हुआ है बेटा 0.56 gram. और आंसर्स ऑप्शंस हैं मैग्नीशियम 0.16 gram, इसके बाद बी ऑप्शन है ऑक्सीजन 0.16 gram, और उसके बाद दिया हुआ है सी मैग्नीशियम 44 gram और ऑक्सीजन दिया हुआ है डी ऑप्शन -28 gram. अब ये न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होगा ये मैं अभी आपके सामने सॉल्व करूँगा. तो ये आप न्यूमेरिकल ध्यान से देखें, तो ये भी आपके कैसे सॉल्व होने वाला है ये भी आपको अभी बताया जाए. तो सबसे पहले यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन बनाना है. तो पहले की तरह ये न्यूमेरिकल है, लेकिन आपको पूरा स्टेप्स करने पड़ेंगे. मैग्नीशियम जमा ऑक्सीजन गिव्स यू MgO. ऑक्सीजन 2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई, और मैग्नीशियम को कितने से, 2 से. तो मैग्नीशियम दिया हुआ है 1 gram, इसके नीचे लिख दिया, और ऑक्सीजन दिया हुआ है 0.56 gram. ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, समझ आ गया. और लेड सॉरी मैग्नीशियम, अब आगे कैसे करेंगे जरा सॉल्यूशन देखेंगे आप मेरे साथ. मैग्नीशियम का मास होता है बेटा कितना, 12. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 × 12 कितना आ गया, 24. सॉरी मैग्नीशियम का 12 एटॉमिक मास, 24 होता है मास, तो 48 ग्राम इसका क्या आ गया, मास. तो ये सॉरी हो गया था, गलत हो गया था, एटॉमिक मास की बात कर रहा हूँ, मास पुट करना है कितना, 24. और ऑक्सीजन देखो यहाँ पर कितनी है, 2 है बेटा, 2 × 16 दैट इज 32 ग्राम. तो सबसे पहले आपने इनके मासेस लिखें इक्वेशन के हिसाब से. अब आप लिखेंगे 48 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम रिक्वायर्स हाउ मच, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 1 gram के लिए कितना बेटा, 32/48 आता जरा समझ. और 1 gram क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारे को 1 ही ग्राम दिया हुआ है, 1 ही ग्राम के लिए निकाल लिया हमने, तो ये आ जाएगी अप्रॉक्सीमेटली 32 काट दिया है, ये बच गया 2/3, और 2/3 को जब हमने डिवाइड किया 0.67 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. अब इसके बाद आगे क्या करना है, ये तो हमारे पास ऑक्सीजन का आया, इसके बाद लिखोगे 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, दोनों का अलग अलग निकालना पड़ेगा, रिएक्ट विथ हाउ मच, 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 1 gram के लिए कितना बेटा, 48/32 समझ आ रहा होगा फास्ट, और 0.56 ग्राम दिया हुआ है, इसके लिए कितना बेटा,
तो 48/32 इंटू 0.56, तो ये अपने पास आ जाती है 0.84 ग्राम। सॉल्व कर लेंगे इसको, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 0. अब मैग्नीशियम बचा कितना, मैग्नीशियम पूछा था कितना बचेगा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन तो कंज्यूम हो गया, क्योंकि ये कितना लिया था 5.6, और मैग्नीशियम कितना लिया था, मैग्नीशियम था हमारे पास 1 ग्राम, और कंज्यूम कितना हुआ है ये हमारा इसमें 84 ग्राम्स, ठीक है, मैग्नीशियम कंज्यूम हुआ है, और इस कारण से इसमें से माइनस कर देंगे तो मैग्नीशियम लेफ्ट इज इक्वल टू 1 - 0.84, ठीक है, 0.84 दैट इज इक्वल टू 0.16 ग्राम। तो ये इसका आंसर आ गया। तो अब आप टिक करेंगे कौन सा वाला आंसर ऑप्शन आया, तो समझ गए आप इसका ए इज योर राइट आंसर। तो कैसे आया ये आपके सामने सॉल्यूशन है। तो ये था हमारा आज का 10th न्यूमेरिकल, ठीक है। अब इसके बाद अगला करेंगे, तो ये सारे न्यूमेरिकल्स आपने एक बार ग्रोथ थ्रू कर लेने हैं। तो एक बार जब आप इसको कर लेंगे तो आपको फिर अपने आप ऑटोमेटिकली स्पीड अप हो जाएगी, फिर आपको स्टेप्स नहीं लगाने पड़ेंगे, फिर आप अपने माइंड में कैलकुलेशंस करेंगे। एक न्यूमेरिकल और दिया हुआ है 11th, इसी टॉपिक का है, ये 2014 में आया हुआ। क्वेश्चन क्या है बेटा, वॉल्यूम का है, वॉल्यूम हाइड्रोजन का वॉल्यूम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 22.4 लीटर, और ऑक्सीजन सॉरी क्लोरीन का वॉल्यूम दिया हुआ है 11.2 लीटर, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो ऑप्शन ए इज 1 मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बी ऑप्शन इज 2 मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो मोल्स निकालने हैं आपने वॉल्यूम से, फॉर्मूला आपको बताया हुआ है, अभी करके बताएंगे। तो आपने अभी सॉल्व करेंगे 0.5 मोल ऑफ HCl, और डी ऑप्शन इज 1.5 मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जो बच्चे वीडियोस देख रहे हैं, जिन्होंने मैंने अभी बताया, जिन्होंने थोड़ी बहुत कोचिंग्स ली हुई है, उनको तो ये एकदम सवाल समझ आ जाता है, क्योंकि उनकी अच्छी प्रैक्टिस है, और दोबारा इस वीडियो को देखेंगे तो उनको रिवीजन हो जाएगा उनको। तो ये आंसर कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो आप बनाओगे बच्चों इक्वेशन, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस रिएक्ट कर रही है, और बैलेंस भी साथ ही कर दिया, 2 मॉलिक्यूलर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना रही है। तो इसका जो वॉल्यूम दिया हुआ है 22.4 दिया हुआ है, और इसका दिया हुआ है 11.2। अब आपको मोल्स निकालने हैं बच्चों, तो मोल्स निकालने के लिए n इज इक्वल टू 22.4/22.4 लीटर्स होता है, बताया हुआ है, तो 1 मोल आ गया। इसका कितना है 11.2/22.4, तो ये आ जाएगा 0.5 मोल हो गया। क्लियर, समझ आ गया यहाँ तक। अब यहाँ पर जो रेशियो है बेटा, देखो ध्यान से, रेशियो क्या निकली हुई है, 1 रेशियो, इस वाली इक्वेशन को देखेंगे, 1 मोल इज इक्वल टू 1 मोल इज इक्वल टू 2 मोल। हाइड्रोक्लोरिक एसिड पूछा जा रहा है कितना होगा, इसका आपका 1 मोल है, आ रहा समझ, इसका आपका 0.5 मोल है, तो इसका कितना बन जाएगा 1.5, ठीक है। तो ये 1 + 1 2 था, तो 1 + 1.5 इज इक्वल टू 1.5, तो इसका ऑप्शन जो है कौन सा ऑप्शन राइट है, डी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। तो कैसे किया ये न्यूमेरिकल अब आपको समझ आया। अब इसके साथ एक और लास्ट न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है।
तो क्योंकि ज़्यादा बड़े वीडियोस हो जाएंगे तो फिर आपको इंटरेस्ट नहीं बनेगा। जैसे कल बड़ी वीडियो बन गई थी, फर्स्ट दिन था मेरा तो टाइम का मैंने हिसाब नहीं रखा था और साथ के साथ कराता चला गया। न्यूमेरिकल्स एक बार कराने लगते हैं तो इंटरेस्ट बन जाता है, तो चाहे तो 2 घंटे की क्लास लगा लो, लग जाएगी, कराता रहूँगा आपको न्यूमेरिकल्स। इसके बाद है अगला प्रश्न, 2015 में आया हुआ है, 12वां प्रश्न है हमारी क्लास की तरफ से। व्हाट इज द मास ऑफ प्रेसिपिटेट? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ हुआ है बेटा, तो ये इसकी फॉर्म्स बहुत बार रिपीट हो रही है, तो मैं आपको एडवाइस करूँगा ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में से है, आ सकता है पेपर के अंदर, तो इसको ध्यान से आपने इसका सोल्यूशन करना है। व्हेन 50 ml ऑफ 16.9% ऑफ सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 इज मिक्स विथ 50 ml ऑफ 5.8% ऑफ सोल्यूशन ऑफ NaCl सॉल्यूशन। इस न्यूमेरिकल के लिए आपको एटॉमिक मासेस याद रखने हैं और अप्रॉक्सीमेट भी लिख याद कर सकते हैं। इसमें सिल्वर यूज हुआ है, सिल्वर का 107.8 होता है, नाइट्रोजन का पता ही है 14 होता है बेटा, ऑक्सीजन का तो 16 होता है और क्लोरीन का भी पता ही है आपको 35.5 ग्राम, सब ग्राम्स में है। तो ये सब आपने पुट नहीं करनी होती, आपने तो सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है। तो कैलकुलेशंस हैं आपकी और ऑप्शंस क्या हैं, ऑप्शंस बता देता हूँ पहले मैं। इसमें ऑप्शन नहीं लिखा है मैंने, इसको सॉल्व करके बताऊँगा, ठीक है, आंसर निकालेंगे। तो क्या दिया हुआ है कि सिल्वर नाइट्रेट को रिएक्शन कराया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो सॉल्यूशन क्या है बेटा, सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl, ये सिल्वर इसके साथ चला जाता है, प्रेसिपिटेट बना देता है AgCl प्लस NaNO3, तो इसके बनते हैं प्रेसिपिटेट्स, इसी की बात पूछ रहे हैं पेपर के अंदर। तो अब आप देखें हम इसकी परसेंटेज निकालेंगे कैसे, लिखो सिल्वर नाइट्रेट हम मान लेते हैं कितने हैं, टोटल 100 ml सॉल्यूशन मान लिया, और कितने के लिए है ये 16.9%, ठीक है, तो ये 50 ml के लिए कितना हो जाएगा इसका आधा 8.45, हो गया क्लियर, इसका आधा कर दिया बेटा, हाफ कर दिया इसका। और इसी तरीके से यहाँ पर भी आप ऐसे ही हाफ करेंगे, 50 ml के लिए करना है, आधा कर दो बस, किसके लिए, NaCl, NaCl कितना है 100 ml, क्योंकि परसेंटेज है 5.8 है, 50 ml के लिए कितना आ जाएगा 9 ग्राम्स आ जाएगा, 18 है 9 से जाएगा 2.9। अब आपने इक्वेशंस बनानी है, कैसे बनानी है, इसके नीचे इक्वेशंस लिखो, इस अली क्वेश्चन के नीचे ये बनाने के बाद यहीं पर बना देते हैं हम, इसकी क्वेश्चन बनेगी 8.45 मास आया जो, और 107.8 प्लस नाइट्रोजन का 14 प्लस 16 48, ठीक है,
और इधर कितना बना 2.9 सोडियम का 23 प्लस 35.5, मतलब ये मॉलिकुलर मास से आपने भाग दे देना, तो ये सॉल्व करने के बाद आएगा 0.049 और ये आ जाएगा 0.049, दोनों को सॉल्व करने के बाद सेम आ जाएगा। अब बहुत ही सिंपल आंसर है कि हमारे पास वेट निकालना है किसका, सिल्वर का, ठीक है, इसका वेट निकालना है। तो ये क्या आ गया, मोल्स आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें, ये भी वन मोल है, ये भी वन मोल है, ये भी वन मोल, तो इसका ये मोल कितना आ जाएगा 0.049। अब क्या करना है, लास्ट स्टेप, ये नंबर ऑफ मोल्स निकल आया है हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। और मोल्स क्या होता है, वेट डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट, मोल्स कितना है 0.049, वेट अपने को निकालना है मास, और इसका सिल्वर क्लोराइड का क्या है 8 प्लस क्लोरीन का कितना 35.5। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना आ जाएगा बेटा, इट कम्स आउट टू बी 0.49 इंटू, इन दोनों को प्लस किया, ये आ गया 143.3 इजिकल टू मास ऑफ AgCl, जो कि हमारी क्या है, प्रेसिपिटेट्स। तो बच्चों क्या आ गया मास, इसको मल्टीप्लाई कर देना है, फटाफट कैलकुलेशंस करनी है, ये आ जाएगा 7.02 ग्राम विल बी प्रोड्यूस। तो ये था हमारे आज के न्यूमेरिकल्स। ये सभी जो टॉपिक्स हैं हमारे, कौन से टॉपिक के हैं बेटा, लिमिटिंग रीजेंट्स के न्यूमेरिकल्स हैं। और जो लास्ट वाला न्यूमेरिकल अभी मैंने किया है, जिसका ऑप्शन नहीं था हमारे पास, ठीक है, ये न्यूमेरिकल कम से कम 4 या 5 बार पेपर में आया हुआ। इसके टाइप के न्यूमेरिकल्स जितने भी आज आपने सॉल्व कर लेना है, आपको समझा दिया है कि पहले आपने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला वही पुराना जो शुरू में कल के लेक्चर में पढ़ाया था, वेट डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट। उसके बाद क्योंकि इक्वेशन में NaCl और सिल्वर नाइट्रेट ये सब 1:1 थे, इसलिए जो मोल्स इधर आए उतने मोल्स इधर आ गए, और मोल्स से हमने मास निकालना है, तो क्या किया, मोल्स ये वेट ये मॉलिकुलर वेट से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा मास ऑफ द सिल्वर क्लोराइड प्रेजेंट। तो ये सिल्वर क्लोराइड का मॉलिकुलर मास ले लिया, मॉलिकुलर वेट, इससे हमने नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर दिया, तो वी गेट द मास ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये थे आज का लेक्चर जो आपने देखा बेटा। तो दिस इज़ योर वीडियो फॉर नीट एंड जेई स्पेशल क्लासेस, ठीक है, उसका वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, दैट इज़ माइंड योर साइंस।